Assalamualaikum. This is me, Fariha Baloch, with 2021 New Year जो है हमारा माशाल्लाह स्टार्ट हो गया है. और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, सब फिट फाट होंगे और जो है अपने अपने घरों में खुश होंगे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ. और सबके लिए दुआएं बहुत सारी कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुशो खुर्रम रखे. तो आज क्या कर रही हूँ मैं, आज हम जो है अपनी एक ग्रॉसरी की थी मैंने, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और हम साथ में आज 1 जनवरी है तो आज हम एक और जो है पिज़्ज़ा सेलिब्रेशन करेंगे, मतलब पिज़्ज़ा खाएंगे और जो है न्यू ईयर को और ज़्यादा अच्छा सा एक वेलकम करेंगे. कल तो आप लोगों ने वो वीडियो मैंने जो लगाई है देखी होगी, आई होप. जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, अपनी फैमिलीज़ को भी दिखाएँ, इन्जॉय करें, इन्जॉय करवाएँ. तो आज जो है ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ और वो ज़रूर मिस की नहीं कीजिएगा जो पिज़्ज़ा पार्टी हम आगे करने वाले हैं. और जो मैंने शुरू में अपनी मॉडलिंग की है उसको भी देखिएगा और जब अगर वो मॉडलिंग पसंद आए तो इतना बड़ा थम्स अप दे के जाइएगा. लेट्स स्टार्टेड. ये देखें गाजरें हैं, ये मेरे हस्बैंड लाए थे गाजरें और वो फ्रूट्स और वो एप्पल. तो ये जो गाजरें लाए तो देखें मेरे मियाँ का, आप सलीका देखें, सलीका माशाल्लाह. उन्होंने इन्हें साफ़ करके, वॉश करके, खुरच के और इस तरह सेट करके हमारे लिए रख दी कि बच्चे खा सकें या अगर जूस बनाना है तो ये साफ़ सुथरी रेडी रहे. अभी नहीं खाना, अभी रख दो. अच्छा, और कीनू और जो एप्पल भी सस्ते मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान में जाएं ख़रीदें, कीनू और सेब जो है सेब सस्ते हुए हुए हैं, ले लीजिए अभी सीज़न में तो मिल रहे हैं सस्ते. चले बाकी ग्रॉसरी दिखाती हूँ मैं. ये मैं लाई हूँ यहाँ पर माशाल्लाह के साथ और सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे हमेशा. आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें. एलुमिनियम फॉइल लाई हूँ, बहुत सी चीज़ों में काम आती है. सबसे पहले तो मैं अपने ओवन पर लगाती हूँ और वैसे भी क्लिंग जो हमारी फिल्म होती है, जो क्लिंग रैप होता है जो, वो लगाने के लिए वो लाई हूँ. अच्छा, मैं मसाले लाई हूँ, कौरमा मसाला, हल्दी पाउडर. मुझे तो शान ही बेस्ट लगता है या फिर मेहरान, तो बस शान और मेहरान मेरी जो है घर की वो होते हैं शान. और जो है कौरमा मसाला मैं बनाती ज़्यादातर घर में हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ले भी आती हूँ मसाला. बहुत जल्दी है, नहीं है कोई चीज़ें अवेलेबल जैसे घर में मसाला, इलायची नहीं है, गरम मसाला नहीं है, तो ये जो है इजी होता है, इंस्टेंट होता है जी, फटाफट डाल दो. अच्छा, ये इटालियनो की जो चीज़ है, इटालियानो होता है ये, इसका जो पेपरिका पाउडर है ये मुझे बड़ा पसंद आया. इसका कलर देख के बॉटल में ही फैंटास्टिक लग रहा है, तो ये जो है जाकर तो बहुत ही मज़ा देगा. नेस्कैफे. और जो है कॉफ़ी लाए हैं नेस्कैफे की. और ये है केक डेकोरेशंस का जो सामान होता है ना, ये मैं लाके रखती जाती हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ताकि जब केक बनाना हो ना तो मसला ना हो. शक्कर है जो कि अभी 1 किलो लाए हैं, हो सकता है आगे और ले आए, क्योंकि आपको पता है घर में शक्कर तो चाहिए ही होती है. मैदा तो मैंने 2 पैकेट लिए थे, अच्छा शायद दूसरी शॉपर में हो मैदा है. और ये लाई हूँ मैं जो चिकन पाउडर होता है, अभी मैं 1 साशे लाई हूँ. और ये 1 साशे भी मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये एक बार खोलते हैं ना तो ये आपका जो है 15 से 20 डेज चल जाता है, बहुत कम डलता है, इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है. एक है ये हलवानी निकला है यहाँ पर, ये भी अच्छा है, हलवानी के सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है. ये आज मैं लाई हूँ चाइनीज़ मंचूरियन, रेडीमेड लाई हूँ, ये इससे बनाऊँगी मैं, अगर हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी. बाकी बेकिंग का काफ़ी आज इस बार सामान लाई हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया था मेरा. तो कैस्टर शुगर है, सिंधी बिरयानी मसाला, क्या मज़े की सिंधी बिरयानी बनाती हूँ भाई मैं, वाह 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 वाह, फरिया के हाथ की सिंधी बिरयानी क्या बात है. आइसिंग शुगर लाई हूँ, हल्दियाँ 2 ली हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है हल्दी, पैकेट बड़ा होता है अंदर इतनी सी होती है. तो ये है मायोनीज़ और ये है कॉर्नफ्लोर, जो कि बहुत ज़रूरत रहती है कॉर्नफ्लोर की. तो तीखी काली मिर्चें हैं और तेज़ लाल मिर्च पाउडर, शान की बहुत अच्छी होती है, ब्लैक पेपर भी और रेड चिली भी. कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कोई स्पॉन्सर अभी करेगा भी नहीं, तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, दिल टूटता है मेरा. और ये है केचप मिचल्स का, मिचल्स का भी अच्छा होता है. मैदा ये रहा, दूसरी थैली मिल गई. तो ये है हमारी चीज़ें, मैंने अंदर रखती हूँ, दूसरी खोलते हैं. ईवा का कुकिंग ऑयल लाए हैं 5 लीटर और मैं जो कॉफ़ी लाई हूँ उसके लिए मैं उसके साथ मैं बहुत कुछ खास करने वाली हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे सेहत ज़िंदगी दी.
मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, जो वीडियो देख रहा है बेचारा पूरी, मेरा प्यारा व्यूअर, मेरा प्यारा साथी दोस्त, वो तो ये बात सुन लेगा, तो मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो सही बताएगा उसको मैं इंशाल्लाह ताला शाउट आउट दूंगी। तो ये हो गया कुकिंग वाली, चावल नहीं आया अभी, दूध नहीं आया अभी, अभी तक एक दूध लाई थी मैं, और पर्स का लाती हूँ मैं, और पर्स या मिल पाए अच्छा, और पर्स का मैं लाई हूँ, देसी घी का बाकी अच्छा होता है, और पर्स का जो सीधी सी बात है, सर्दियों में ज़्यादातर मैं देसी घी। एक मिसहैप हो गया था मेरे साथ, माइक नीचे गिर गया था और आपसे बातों में ऐसा मुनहमिक हुई मैं मुझे पता ही नहीं चला माइक नीचे, जब मैंने शॉपर लेने के लिए उठाया तो माइक तो वहाँ नीचे पड़ा हुआ था। तो मैं ये कह रही थी मैं नेस्कैफे के साथ क्या बनाने वाली हूँ, कुछ ख़ास करने वाली हूँ मैं इसके साथ इंशाल्लाह ताला। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं क्या करने वाली हूँ, जो सही बताएगा उसे शाउट आउट मिलेगा इंशाल्लाह। जूस एंड सेवन अप। और अभी कह रही हूँ चावल नहीं आए हैं, आटा आएगा, चावल आटा और क्या है, हाँ, और मैं फ्रीज़र में दिखाती हूँ आपको। चले हम यहाँ दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पर सूफ़ी के मंगाए टेंडर पॉप्स, बड़े अच्छे होते हैं सूफ़ी के भी। अच्छा ये यहाँ पर काफ्ता कबाब है, ये होते हैं इमरजेंसी के लिए, ये मैं हमेशा अपने नान दिखाती हूँ जो हम लेते हैं, ये फ्रोज़न नान बना तो लेते हैं लेकिन होता है ना कभी बहुत इमरजेंसी है, ये मैं हरा मसाला जो पीस के रखती हूँ वो है। और ये मैंने यहाँ पर सब चिकन कीमा सब फ्रोज़न, जो मैं आपको पहले भी केयरनेस बता चुकी हूँ, जो मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, वो बस ये कि मैं उसको जो है चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े तो केयरनेस की चिकन बेस्ट होती है, बाकी तो सबकी अपनी चॉइस है। वो चीज़ है, चीज़ मंगाई है वो है, और पर टर्नेडोज़ रखे हुए हैं। मुझसे एक मेरी फ़ैन ने कहा था, फ़ैन ने नहीं, फ़ैन कहाँ है अभी मेरा कोई, तो उन्होंने कहा था हमने कभी टर्नेडोज़ खाए नहीं है, देखे नहीं है। देखिए टर्नेडोज़ इस शेप के होते हैं, और मेरा प्लीज़ रेसिपीज़ जो है प्लेलिस्ट में जो मेरी रेसिपीज़ हैं सर्च करें, आपको टर्नेडोज़ की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी कोई मिलने वाली है, और अगर मुझे मौका मिला तो हम यहाँ लिंक जो है शेयर कर देंगे। तो बस अब आपने कनेक्ट रहना है, अगर देखें मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दिखाओ ना प्लीज़, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर तो वीडियो देखने का पता ही नहीं चलता, बल्कि दिल चाहता है कि ये हमसे और बातें करें, हमसे और बातें करें, हमारी पिज़्ज़ा पार्टी को इंजॉय करना है देखें तुम लोग भी कहो ये देखें देखना ये है कि अब हम दोबारा से, आज है 1 जनवरी, अभी हमें ये नहीं पता कि हम ये वीडियो अपलोड कब करेंगे, हम हो सकता है लेट थोड़ा करें, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं 1 जनवरी है, तो इसलिए हम कोई बेवकूफ़ नहीं है कि दोबारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन करें। आप उस दिन सोचें 10 तारीख को डाली, कह रहे ये देखो अभी तक कर रहे हैं, तो ये आज रिकॉर्ड हो रही है 1 को, तो हम आज फिर कर रहे हैं आपके लिए, मैंने कहा था कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। ये देखें पिज़्ज़ा आ गए, अभी करीब से दिखाएंगे आप लोगों को भी भूख लगाने के लिए तो चलें स्टार्ट करते हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। ये लो बच्चों, हमें तो बड़ा डर लग गया, चलिए अभी आपको मैं जो है ना पिज़्ज़ा दिखाती हूँ, दो फ्लेवर मंगाए हमने बड़े, ये तो कोई बड़ा मज़े का नया, देखें तो माशाल्लाह कैप्चर करें, ये देखें ये कोई नया आया है इनका, बड़ा मज़े का यहाँ पे ये पिज़्ज़ा ट्रैक है हैदराबाद में, और बहुत मज़े की इसका पिज़्ज़ा होता है। इसका क्या नया नाम, कुछ इटालियाना स्टार रखा है उन्होंने, बहुत खुशबू ऐसी आई है मैं क्या बताऊँ आपको, मैं आ रही हूँ, और ये देखें माशाल्लाह किस किस को भूख लगी है वो हमारे घर आ जाए, जिस जिस को भूख लगी है वो हमारे घर आ जाए, हम उसको जो है वेलकम करेंगे, और ज़रूर हम पिज़्ज़ा उसके साथ शेयर करेंगे। हम सब की तरफ से, फरीहा बलोच की फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021, हैप्पी न्यू ईयर, एंड हमें इजाज़त दें, हमारे व्लॉग्स को प्लीज़ सपोर्ट करें, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, शेयर करें यार इन्हें, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें, क्यों नहीं मेरी कोई वीडियो वायरल होती, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती। तो चलें अब आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।